नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबर। बुंदेलखंड का चित्रकूट में हमेशा डकैतों का आतंक रहा है। यहाँ की धरती पर कई नामी और बड़े डकैत हुए हैं। जितने भी डकैत हुए वो सभी भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हुआ करते थे। चित्रकूट में भोले शंकर का एक मंदिर है जिसको सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहुंचकर डकैत सावन के महीने में भगवान शिव से आशीर्वाद लेते थे। सावन के महीने में हर सोमवार को सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। वर्ष 2007 में यहाँ पर डकैत ठोकिया ने पुलिस को चकमा देकर स्वयं भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक एवं पूजा पाठ किया था। तब से यह स्थान और चर्चित हो गया, क्योंकि जिस स्थान पर कभी डकैत पूजा करते नहीं थे वहां ठोकिया डकैत ने खुद पूजा पाठ किया था। डकैत ठोकिया ने साधु का भेष बनाकर सावन माह में सोमनाथ मंदिर में महादेव की पूजा आराधना की थी। खास बात है कि सावन के पवित्र महीने में ठोकिया और उसका गिरोह लोगों के साथ मारपीट व लूटपाट नहीं करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सावन का महीना भोले शंकर का हुआ करता था, इसलिए डकैत किसी प्रकार का अपराध नहीं करते थे। चित्रकूट के बरगढ़ निवासी ज्ञान चंद्र बताते हैं कि डकैत इसलिए भोलेनाथ की पूजा करते थे क्योंकि सोमनाथ जंगल के आसपास किसी प्रकार छिपने की जगह नहीं होती थी। इस वजह से डकैत इस मंदिर में सुबह होते ही पूजा पाठ कर लेते थे। पुलिस के पास खबर होते हुए भी कुछ हाथ नहीं लग पाता था। डकैत चकमा देकर फरार हो जाते थे। सबसे खास बात है कि सभी डकैत भगवान शंकर के अनन्य भक्त होते थे। वो बीहड़ की पहाड़ियों में छिपकर अपने आप को सुरक्षित मानते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।